फ्रेंड्स, मैं आरती आदि मन किचन में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। दिवाली है, दिवाली पर हम स्वीट्स लाते ही हैं, तो आज हम मार्केट से न लाकर घर पर ही बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत टेस्टी स्वीट्स बनाएंगे। आज हम बनाएंगे नारियल रोल, जो कि खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। और इस स्वीट्स को बनाने के लिए ना तो हमें गैस जलाने की जरूरत है और ना ही मावे की जरूरत है, तो हम बिना मावे और बिना गैस जलाए बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत सिंपल तरीके से बनाएंगे नारियल रोल, जो कि खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। रेसिपी को ट्राई जरूर करें। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं नारियल रोल। नारियल रोल बनाने के लिए मैंने लिया है ये एक कटोरी नारियल बूरा, जो कि इजीली किराने के शॉप पे मिल जाता है। 4 चम्मच मिल्क पाउडर, बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा इससे हमारे नारियल रोल में। 1 चम्मच इलायची पाउडर। इन सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से एक बार मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम, ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के कोई भी डाल सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये इस तरीके से जब हम रोल खाते हैं और उसमें ड्राई फ्रूट्स आते हैं। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये कंडेंस मिल्क, ये मैंने अमूल फ्लेवर का लिया है। ये इजीली दूध वाले या किराने की शॉप पर मिल जाता है। हमें ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम इसमें कंडेंस मिल्क का यूज़ करेंगे। अच्छे से मिक्स करते हुए हमें इसे तैयार करना है। आज हम इस नारियल रोल में कंडेंस मिल्क का यूज़ कर रहे हैं और कंडेंस मिल्क मीठा होता था, इसलिए हम अलग से शुगर इसमें ऐड नहीं करेंगे। इसमें मैंने टोटल आधा कटोरी कंडेंस मिल्क का यूज़ किया है। तो अच्छे से हम कोकोनट को अपने मिक्स करते हुए बाइंड कर लेंगे। नारियल बूरा और कंडेंस मिल्क को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये बाइंड हो रहा है। तो मैं इसमें डालूंगी फूड कलर। मैं इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से जो आपको कलर पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। फूड कलर डाल के भी हम अच्छे से एक बार इसे मिक्स कर देंगे डो को। कोकोनट रोल बनने के लिए ये हमारा डो एकदम तैयार है, तो अब हम इसके रोल बना लेंगे। अब इसमें से हम थोड़ा सा पोर्शन ले लेंगे और इसको अच्छे से अपने हाथों से दबाते हुए इसका रोल बना लेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं ये नारियल रोल खाने में और बहुत जल्दी बनकर ये स्वीट्स तैयार हो जाती है। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा नारियल रोल बनकर तैयार हो गया है। तो अब मैंने लिया है ये नारियल बूरा, इसे मैं रख दूंगी ये रोल को और इसको इस तरीके से कोटिंग कर देंगे, जिसे देखने में भी ये नारियल रोल हमारे बहुत ही बढ़िया लगेंगे। ये देखिए कितने बढ़िया लग रही है ना ये स्वीट्स हमारी देखने में। तो ऐसे ही हम अपने सारे रोल को बना के तैयार कर लेंगे। सारे नारियल रोल हमने बनाकर तैयार कर लिए और कितने बढ़िया लग रहे हैं ये देखने में, ये देखिए, और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट हैं। इस स्वीट्स को बनाने में ना तो हमने गैस जलाई है और ना ही बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। झटपट तैयार हो जाने वाली स्वीट्स हमने बना के तैयार करी है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। इस दिवाली आप इस स्वीट्स को बना के ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।